अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। लैट के जो उर्दू सेक्शन के जो बाकी पार्ट्स रह गए थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जैसा कि यहां पे अगस्त 2021 तक जो कि उर्दू सेक्शन के एमसीक्यूज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए थे, इसके बाद जो सितंबर 2020 मॉर्निंग का जो उर्दू के एमसीक्यूज है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं, लैट सितंबर मॉर्निंग 2020 पेपर लैट उर्दू एमसीक्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, दिए गए अल्फाज के मुतरातिफ लिखें। मुतरातिफ उन अल्फाज को कहते हैं कि जो लिखने में तो मुख्तलिफ हो लेकिन उनके जो मतलब है वो सेम हो। तो इसलिए जो जुल्मत है इसका जो मुतरातिफ है, जुल्मत का मतलब है कि बादल घने बादल, इसलिए इसका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा तरीकी, यानी कि तरीकी रात। इसलिए इन दोनों का जो ना आपस में ये मिलते जुलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आलम आलमात, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा असार, यानी कि किसी में कोई आलमात आलमात दिखाई देना, जैसा कि आप कहते हैं कि इसमें ये वाली आलमात जो है पाई जाती हैं, इसमें ये असार नज़र आ रहे हैं, ये आलमात नज़र आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ रुगबत, रुगबत का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा ख्वाहिश। रुगबत, रुगबत का मतलब है खुश होना, इसलिए इसका जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर आएगा ख्वाहिश। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मदा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सताइश। मदा का मतलब है खुश होना, तो इसलिए ये जो सताइश है इसका भी मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा खुश होना, इसलिए ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा सताइश। इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है तवक्कल, तो इसका जो मुतरादिफ है वो यहाँ पर आएगा भरोसा, यानी कि तवक्कल करना, किसी पे भरोसा करना, ये दोनों एक ही आपस में मिलते जुलते हैं। ये लिखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन इनका जो मतलब है ना वो तकरीबन सेम होता है, इसलिए मुतरादिफ वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में तो अलग हो लेकिन उनका जो मतलब है वो एक जैसा हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दिए के अल्फाज के मुतजाद लिखे, यानी कि अल्फाज के उलट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार आमद, कार आमद का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा बेकार, यानी कि जैसा कि आप कह सकते हैं कि ये चीज़ कार आमद का मतलब कि ये चीज़ हमारे काम आने वाली है, यानी ये काम आ सकता है। इसका जो उल्टा आएगा वो यहाँ पे आएगा बेकार, यानी कि ये हमारे काम नहीं है, ये बेकार चीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यादा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर आएगा सवार। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है इत्तेहाद, यानी कि किसी के साथ इत्तेहाद में रहना, सुकून से रहना, तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा इख्तलाफ, इत्तेहाद और इख्तलाफ, यानी कि एक दूसरे का उलट, मुतजाद वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के उलट हों। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं खार, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है खार का वो यहाँ पे आएगा गुल, इसलिए हम ऐसे गुल पर टिक मार कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अतायत, यानी कि किसी की तायद करनी, किसी की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करनी, उसका ख्याल रखना, तो इसका जो उल्टा आएगा वो यहाँ पे आएगा बगावत। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे वेबसाइट को ओपन करके तो जो अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद सितंबर 2020 इवनिंग के सेक्शन में स्टूडेंट से जो उर्दू के पार्ट में एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज़ अल्फाज के मुतरादिफ लिखें, मुतरादिफ लिखें, मुतरादिफ वो अल्फाज है जो लिखने में तो मुख्तलिफ हो लेकिन इनका जो मायने मतलब है वो एक जैसा हो, सेम हो। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है आप, तो आपका जो मतलब है वो यहाँ पर आएगा खुराक, इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है इस्तकामत, तो इसका यानी कि इसका मतलब है कि किसी के साथ सच्चे दिल से चलना, अपनी बात पे कायम रहना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा साबित कदमी। इसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आशियाना, आशियाने का जो मुतरादिफ है वो यहाँ पर आएगा गुरुंदा, यहाँ पर डी वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यू जहद, तो जहद का जो मुतरादिफ है वो यहाँ पे आएगा तकवा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लागर, तो लागर का जो मुतरादिफ है वो यहाँ पे आएगा कमज़ोर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाज के मुतजाद लिखे हैं, यानी कि जो अल्फाज है उनके उल्ट, तो यहाँ पे अहन का जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो अहन, तो इसका जो मुतजाद है वो यहाँ पर आएगा नाकस, नाकस
इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम से क्यूज़ है जफा, यानी कि किसी से नाराज़ होना, किसी से नाराज़ होना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा वफा, यानी कि किसी के साथ वफा करना। इसके बाद नेक्स्ट टाइम एम सी क्यूज़ है कि हाकिम, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा महकूम। इसके बाद जो नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है वो है बिरौनी, तो बिरौनी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अंदरूनी। इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, यानी कि वो यानी कि मुतजाद एक दूसरे का उल्ट। इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है तकरीरी, तो जो तकरीरी का मुतजाद आएगा वो यहाँ पे आएगा तहरीरी। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं और अपने जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, सितंबर 2019 में स्टूडेंट्स जो एमसी उर्दू के सेक्शन में एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ़ लिखें। तो यहाँ पर जो अतायत है इसका जो मुतरादिफ़ वो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हुक्म बजा लाना, यानी कि अतायत किसी की फरमाबरदारी करना, किसी के साथ अच्छा सलूक पेश करना। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हुक्म बजा लाना, यानी कि उसका हर हुक्म मानना। इसके बाद जो नेक्स्ट है एम सी क्यूज़ है तजब, तजब का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हैरत, यानी कि किसी को देख के तजब करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हैरत, किसी को देख के हैरत अंगेज़ हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट अंदेशा, तो अंदेशा का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अंदाज़ा, यानी कि किसी को देख कुछ सोचना, किसी को देख के अंदाज़ा लगाना कि ये कैसा है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है वो यहाँ पे आएगा पसमानदा, तो इसका जो मुतरादिफ़ है वो यहाँ पे आएगा गुर्बत। इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है कनात, तो इसका जो मुतरादिफ़ है वो यहाँ पे आएगा सब्र करना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्तफादा, तो इस्तफादा का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए फ़ायदा। इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज़ मकबूलियत, तो मकबूलियत का जो मुतरादिफ है वो यहाँ पे आएगा मशहूर। मकबूलियत यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा मशहूर होना, तो इसका जो आएगा वो यहाँ पे आएगा मशहूर। इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है मुफीद, तो मुफीद का जो दूसरा मायने है वो यहाँ पे आ जाएगा फ़ायदेमंद। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सखी, तो सखी का जो आएगा वो यह है सखी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाला हो, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा खुले दिल से खर्चा करता हो, तो उसे जो कहते हैं कि दरिया दिल। डी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद क्लेल का आएगा मुख्तसर, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इजीली इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं और अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जुलाई 2019 में उर्दू के सेक्शन में स्टूडेंट्स से जो एम सी क्यूज़ पूछे गए थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एम सी क्यूज़ यहाँ पर देखते हैं आप, लैट उर्दू एम सी क्यूज़ अल्फाज के दुरुस्त मायने का इंतखाब करें। यहाँ पर जो अल्फाज हैं उनके जो दुरुस्त मायने हैं उसका इंतखाब करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एम सी क्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उजलत, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा तेज़ी। उजलत का जो सही यानी कि मतलब है वो यहाँ पे आएगा तेज़ी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वहशत, तो वहशत का जो करेक्ट ऑप्शन है आएगा वो यहाँ पे आएगा दीवानगी, यानी कि वहशत का जो मतलब है वो यहाँ पे आएगा दीवानगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्ता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा पक्का। इसके बाद जो नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है विसाल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मुलाकात। इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है शिफा, तो शिफा का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा तंदुरुस्त, इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है तासीर, तासीर का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा असर करना, किसी चीज़ पे असर करना। इसके बाद जो नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है इसका तस्खीर, तो तस्कीर का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका जो सही मतलब है वो यहाँ पे आएगा फतह, इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नशेमन का जो करेक्ट ऑप्शन है 73 का वो यहाँ पे आएगा घर। इसके बाद इसका जो 74 एम सी क्यूज़ है बादी नसीम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बादी नसीम का जो सही मतलब है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठंडी हवा, इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद
इसका जो लास्ट है एमसीक्यूज है फरागत, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 75 का वो यहाँ पे आएगा डी, वस्त। इसलिए हम ऐसे वस्त पर टिक मार कर देंगे। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इजीली इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं।